आमेर के महाराज पृथ्वीराज सिंह जी के छोटे भाई महाराज माधव सिंह जी, इनकी धर्म पत्नी रत्नावती जी, राज परिवार आप जानते हैं, और वो भी राजस्थान के राज परिवार, कितने जेवर एवर ये वो, उनके वेश वगैरह सब कपड़े लत्ते देखो तो उनका दुपट्टा और लहंगा इतना बड़ा होता है कि पूरे घर के आंगन में बिछा दिया जाए तो अभी वो बचा रह जाएगा। बहुत ठाट वाट का राज परिवार तो राज परिवार होता है। इनकी एक दासी थी चुनिया नाम की, वो हरी लगा रही है तो भी राधे 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 राधे, कपड़े धो रही है तो भी राधे राधे राधे, कोई भी काम करे हा श्याम सुंदर, हा ब्रजेंद्र नंदन, हा कुंज बिहारी, हा कुंज बिहारी, ऐसे गरम गरम स्वां से काम करती जाती। तो रानी ने एक दिन पूछा कि तू ये क्या करती है, हा हा करके बोलती है, हा कुंज बिहारी, हा निकुंज बिहारी, हा श्याम सुंदर, हा बांके बिहारी, हा ब्रजेंद्र नंदन, हा सर्वेश्वर भगवान, ये क्या करती तू हा हा। रानी ये मत पूछिए, आप अपना राजसुख भोगिए, हम बीमारों के पास मत आइए, हमारी बातें हमारी आहें मत सुनिए, आप राजसुख का आनंद। तो और ज्यादा रानी को आकर्षण हो गया और एक दिन रानी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। स्पर्श दोष भी होता है और स्पर्श गुण भी होता है। जैसे रोग संक्रामक होते हैं ऐसे स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है, जैसे बीमारियां संक्रामक होती है ऐसे स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। बीमार के पास बैठेंगे तो बीमारी के कुछ न कुछ लक्षण आ जाते हैं, कई बार छुआछूत की बीमारियां होती है, कोरोना उसी प्रकार की बीमारी आई थी महामारी। और सत्संग भी कुसंग भी, सत्संग भी संक्रामक होता है, कुसंग वालों के साथ बैठोगे तो कुछ कुछ खाने पीने की इच्छाएं होने लगती है, कुछ नहीं है तो देखने में ही स्वाद आने लगता है। जुआरियों के पास बैठेगी जुआ खेलने की इच्छा होने लगती है, बाकी के पास बैठेगी वैसी इच्छा होने लगती है, कोई योग व्यायाम करने वालों के साथ बैठिए उनको देखते रहे तो मन करने लगता, अपनी भी पीटी करने की इच्छा होने लगती है, कुछ न कुछ लंबी श्वास खींचने की इच्छा होने लगती है, ये संग का प्रभाव हुआ करता। एक दिन रानी ने इसको स्पर्श कर लिया तो बता तो सही क्या, बोले रानी मत पूछो, बोले नहीं आज सब काम छोड़ दे, ये होता रहेगा, पहले ये बता तू क्या करती है, ये कौन से नाम लेती। बोले भगवान श्याम सुंदर, वृंदावन बिहारी, भगवान श्री कृष्ण के सहस्र नाम है, तो ये तू कहां से सीख कर आई। बोले मैं सत्संग में जाती हूँ, उस मंदिर में हमारे घर के पास जो मंदिर है उसमें वृंदावन के संत आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, कीर्तन कराते हैं, और वो एक ही बात कहते हैं, बैठ कर अगर भजन नहीं होता हो तो चलते फिरते काम करते भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो नाम लेते रहो। बुरे काम करने वालों के, बुरा इधर उधर का खाने पीने वालों के आसपास बैठोगे तो कुछ न कुछ इच्छा होने लगती है। पूजा पाठ करने वालों के पास, कीर्तन करने वालों के पास, कथा श्रवण करने वालों के पास, शुभ कार्य करने वालों के पास उठना बैठना शुरू करोगे, कुछ न कुछ शुभ करने की इच्छा अपने अंदर भी होने लग जाएगी। ये संक्रामक होता है, ये छुआछूत की बीमारी माने। एक नौकरानी की कृपा से महारानी ने राजपाट का सारा सुख ठुकरा दिया, भगवान की गोद में पहुंच गए। एक दिन पकड़कर बैठ गए, कहानी सुनो, कथा सुना मुझे, ब्रज की कथा, रानी ये मत सुनो, ये कंठ का कीर्ण मार्ग है, ये कांटों का मार्ग है, ये भयानक वन है, जंगल है, उलझ जाओगी, रात सुख भोगो। बोले रानी ने कहा कि एक बात बताओ चुनिया, मेरे शरीर का कौन सा अंग महारानी है, मैं उसी को काट कर फेंक दूं, किस अंग को मैं महारानी कहूं, मलमूत्र से भरा हुआ, रोगों से विकारों से दुर्गुणों से दुर्गंध से भरा हुआ ये शरीर, इसमें कौन सी ऐसी वस्तु है जो महारानी के लायक है, मुझे कथा सुनाया करो। सब घर का काम छुड़वा दिया, दूसरी दासी को सौंप दिया, जब तक ये काम पर आती नहीं है प्रतीक्षा करती है।
और संत की, भगवंत की प्रतीक्षा ही की जाती है। हम उल्टा करते हैं, हम संत और भगवंत की परीक्षा लेते हैं। जिनको परीक्षा देनी चाहिए, हम आपके योग्य हुए कि न हुए, ये परीक्षा जिनको देनी चाहिए उनकी परीक्षा ली जाती है। कुछ आता है कि नहीं, कुछ करामात आती है कि नहीं, कुछ चुर्रेट जानते हैं कि नहीं। भगवानों की भी हम लोग परीक्षा लेते हैं। जिन मंदिरों के बारे में हम ये जानते हैं कि वहां जाकर दर्शन करने से, माथा टेकने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वहां धक्के खा खा कर जाते हो और अपने मोहल्ले के मंदिर में सालों साल नहीं जा पाते, मोहल्ले को छोड़ दे घर के पूजा घर में भी बैठने का समय नहीं मिलता है हमको, चूंकि हमको जादूगर चाहिए, हमको चमत्कार चाहिए। और कई लोगों ने बोला भी है चमत्कार को ही नमस्कार है, ये बिल्कुल सत्य है। चमत्कार ही नमस्कार करके चला जाता है, जेब खाली करा जाता है। इसका अर्थ ये है, चमत्कार को नमस्कार है, इसका अर्थ ये है कि चमत्कार ही आता है और लिया और नमस्कार करके चला गया, देखते रहो फिर उसका। तो दासी ने कहा, रानी अगर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहती हो, हिम्मत जुटाओ, क्या करूं? बोले किसी संत से दीक्षा लीजिए। बिना संत की कृपा से ये आपको कुछ होगा नहीं। भगवान स्वयं बोले, जाते भेगी द्रवहू में भाई, जाते भेगी द्रवहू में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत हो ही अनुकूला, मिलही जो संत हो ही अनुकूला, पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, सत संगति संस्यति कर अंता, सत संगति संस्यति कर अंता। देवी सत्संग कराइए, राजभवन में सत्संग भवन बनवाइए, संतों की टोली बुलाइए, उनसे सत्संग कराइए, उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनिए। बिना सत्संग के बेड़ा पार होगा नहीं। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कबीर बोले हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जरा सा कुसंग व्यक्ति को ऐसे अंधेरे में गिरा देता है कि कोई निकाल नहीं सकता, और जरा सा सत्संग व्यक्ति को शिखर पर बिठा देता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। दासी ने आग्रह किया, सत्संग भवन बना दिया। एक बार वृंदावन के साधु गलता देवी दर्शन करने के लिए आए थे जयपुर, तो सत्संग भवन में ठहरे हुए थे। संध्या का समय, सब संतों ने अपने अपने आसन लगाए और संध्या आरती की। ये झरोखे में से, जो मर्यादा थी राज परिवार की, निकल कर जा नहीं सकती थी, और दासी ने कहा था, नहीं मैं बाहर तो नहीं जाने दूंगी आपको, संतों के बीच में नहीं जाना, आप यहाँ से दर्शन करिए, कानों से श्रवण करिए, नेत्रों से संतों का दर्शन करिए, संत दर्श जिमें पातक टर ही, संत के दर्शन से ही पाप कट जाते, मुक्त हो जाता है। और रानी के अंदर हिलोरे उठती है कि संतों के पास जाऊं, चरण वंदन करूं, शीश को उनके चरणों में रखूं, उनके चरण रज को अपने नेत्रों से स्पर्श करूं, उनकी सेवा करूं, लेकिन राज परिवार की मर्यादा रोकती है, जकड़ कर ऐसी ऐसी बेड़ी है कि जो हिलने आगे बढ़ने नहीं देती। संतों ने आरती के बाद ठाकुर जी का भजन गाया है, जुगल की शोर हमारे ठाकुर
का भजन कर भजन सुना, आवेश में आ गई और चीख कर दौड़ पड़ी राजभवन के बाहर। एकदम रास्ता रोक कर दासी खड़ी हो, नहीं नहीं महारानी बिल्कुल नहीं, मैं उल्लंघन नहीं कर दूंगी, मर्यादा के बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरी ड्यूटी है। धक्का मार कर इतना तेज ज्वार था, जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े बांधों को तोड़कर आगे बढ़ जाती और रानी के हृदय में भगवत प्रेम का, भगवत भक्ति का जो ज्वार दौड़ कर गई, संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, दीक्षा ले ली, युगल मंत्र की दीक्षा हो गई। पूरे राजभवन में हाहाकार मच गया, राजस्थान की मर्यादा तोड़ दी रानी ने, राजभवन की मान मर्यादा तोड़ दी रानी। अब रानी के साथ क्या व्यवहार होगा? मुंडन करा लिया रानी, बैरागिन हो गई। वीरा ने जैसे कहा था, राणा मैं बैरागिन हूं, वैराग्य ले लिया। ये समाचार महाराज माधव सिंह उस समय दिल्ली में निवास करते थे, औरंगजेब का शासन था, वहां समाचार पहुंच गया। महारानी ने राजस्थान की राज परिवारों की रजवाड़ों की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, वैरागिन हो गई, साधुओं में जाकर बैठती है, नाचती है, गाती है, बहुत क्रोध में थी। चूंकि राजा की सेवा में थे, राजा के अधीन थे उस समय। इनका बेटा था प्रेम सिंह, इकलौता बेटा। महारानी को देखकर, माँ को देखकर उसने भी द्वादश तिलक लगाना शुरू कर दिया, मुंडन करा दिया, कंठी धारण कर ली। दोनों माँ बेटे कीर्तन करते हैं ठाकुर जी का। एक बार प्रेम सिंह गए हैं पिता को मिलने और जैसे जाकर बेटे ने प्रणाम किया, उठकर चला गया राजा। चुक वेश देखा साधु वेश, सिर घुटा हुआ है, द्वादश तिलक लगे हुए, वैराग्य का वेश है, कंठी बांध। स्थिति ऐसी आ गई कि तय कर लिया महाराज माधव सिंह ने कि इसको मारना है, युद्ध की घोषणा कर दी।
औरंगजेब को बीच बिचाव करना पड़ा। राजन ये बेटा है, बेटे से युद्ध नहीं किया जाता, बेटा अपना होता है। बाद में समझाइए बुझाए, ये मत करिए। वहां से लौट आए। कुछ दिनों के बाद महाराज माधव सिंह जयपुर लौटते, आमेर लौटते, उस महल में नहीं रहे जिसमें रानी रहती थी, अलग बाग में जो उनकी कोठी थी उसमें निवास किया। संयोग ये था कि 3 दिन के बाद नरसिंह चतुर्दशी आने वाली थी, नरसिंह चतुर्दशी। तो इन्होंने सचिवों से सलाह की कि क्या किया जाए। सचिवों ने कहा कि अगर सीधे सीधे हत्या करोगे तो स्त्री हत्या का पाप भी लगेगा और हो सकता है राज्य में विद्रोह हो जाए, क्योंकि महारानी के विपक्षधर और उनके प्रति श्रद्धा करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, और स्त्री हत्या का दोष आप लगाएं अपने ऊपर ये शोभा भी नहीं दे, क्या करें। बोले नरसिंह चतुर्दशी आ रही है 2 दिन के बाद, रानी नरसिंह भगवान का पूजन करेंगी। जो हमारे यहाँ पिंजड़े में शेर बंद है वो बहुत खूंखार है, उसको कभी बाहर निकाला ही नहीं जाता है, आप उसको छोड़ दीजिए। जिस समय वो पूजा में बैठी होंगी, जाएगा झपट्टा मारेगा, खाएगा, फाड़ को फेंक देगा, हम लोग शोर कर देंगे कि पिंजड़ा खुला रह गया, किसी ने भूल से पिंजड़ा खोल दिया, सिंह घुस गया और रानी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। शोक सभा की तैयारी पहले से कर रखी थी कि ऐसे ऐसे होगा तो ये सब करेंगे, और वही हुआ। आज नरसिंह चतुर्दशी। रानी ने व्रत रखा है नरसिंह चतुर्दशी। जो कोई व्रत नहीं करते वो नरसिंह चतुर्दशी का व्रत जरूर करते, नरसिंह भगवान का जरूर व्रत करते। तो पूजन कर रही थी ठाकुर जी का, नरसिंह भगवान का पूजन कर रही थी, और बहुत सुंदर अपने करकमलों से उन्होंने पुष्पहार तैयार किया था, और तिलक चंदन आदि सब चीजें श्रृंगार करके हार पहनाने के लिए ऐसे हार उठाया ही था। इतने में चीख चिल्लाहटो सिंह सिंह शेर आ गया शेर, और दहाड़ मारते जैसे ही भीतर भवन में शेर आया, रानी ने पीछे मुड़कर देखा, ओ नरसिंह भगवान साक्षात, अभी तो पूरी पूजा नहीं हुई, साक्षात नरसिंह भगवान। और हाथ में जो ठाकुर जी को माला पहनानी थी माला लेकर गई हैं, और सिंह के कंठ में डाल दी, प्रभु साक्षात दर्शन हो गया। इस दृश्य को जो देख रहे थे सारे जैसे पत्थर की मूर्ति हो गई। रानी ने दंडवत प्रणाम किया है, सिंह के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया है। ये सिंह नहीं है तो नरसिंह भगवान स्वयं, रानी के चरणों को सिंह ने चाटा है, और रानी के चरणों को चाटकर, चूंकि वो तो भगवान थे, सिंह का तो भगवान का अवतार था, और पीछे घुरघुराते हुए जितने सैनिक दरबारी और सेवक राजा के कहे हुए खड़े थे, टूट पड़ा सिंह, इसे चीड़ उसे फाड़ उसे सैकड़ों को हाहाकार कर दिया। और जब महाराज के पास से संदेश गया कि सिंह ने तो सारे के सारे सैनिकों को मार डाला, रानी से तो उन्होंने बाला पहनी है, रानी को उस सिंह ने दंडवत प्रणाम किया है, वहां से राजा हाथ उठाते हुए क्षमा मांगने के लिए आया है। और जैसे ही राजा ने शीश झुकाकर रानी के चरणों की ओर शीश झुकाया है, रानी ने तुरंत कंधे पकड़े, नहीं महाराज आप मेरे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, अगर शीश ही झुकाना है तो आइए ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाइए, मैंने भी वही झुकाया है आप। ये एक दासी ये है जिसने नास्तिक राजा को और रानी को भगवान के दर्शन करा दिए, भगवान के भजन में लगा दिया।